साथियों, आज हम बनाएंगे आलू और लौकी की रेसिपी। तो हमने कट कर लिया, ये देखो प्याज हमारी कट के रेडी हो गई है, हरी मिर्च भी और लाल टमाटर भी देखो बिल्कुल खिले खिले से हैं, और लहसुन थोड़े से लहसुन है, और इसमें मोटे मोटे जो है लौकी कटे हुए हैं और आलू भी थोड़े मोटे कटे हैं, क्योंकि थोड़ा रेसिपी रसीली बनानी है इसलिए। तो सबसे पहले हम इसमें आप लोग देख सकते हो तेल के साथ प्याज भुनी हुई है और गरम मसाला भी ऐड किया हुआ था पहले से। तो हमने इसमें जाड़े हुए कटे हुए मोटे मोटे आलू को डाल चुके हैं, ऐड कर चुके हैं आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हम टमाटर मिर्ची कटी हुई मिर्ची के साथ ऐड करें, थोड़ा सा चलाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू, कटे हुए कद्दू जो मोटे मोटे थे उसको हम डालेंगे, इसको लौकी हम बोलते हैं, आप लोग को क्या बोलते हैं इसको आप अपनी भाषा में कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी होने वाली है। अब इसको हम ऐड कर चुके हैं, अब इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे। अब इसे थोड़ा सा ढाक दें 5 मिनट के लिए, बाद में खोलें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसको चलाएँ। याद रहे आग थोड़ी सी स्लो होनी चाहिए, हल्की आंच पे इसको थोड़ा थोड़ा करके पकाएं, बाद में फिर से इसको ढक दें, उसको पकने दें 5 मिनट, फिर खोलें, फिर इसको थोड़ा सा चलाएं और चलाते रहें बराबर, बाद में फिर ढक दें, 10 मिनट तक ढक दें, फिर उसके बाद खोलें, उसके बाद फिर चलाएं जब तक पानी सूख न जाए। अब देखो हमारी ये रेसिपी जो है थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, बस थोड़ी कसर बाकी रह गई है। इसमें आलू गल चुके हैं और ये देखो पानी सूख गए हैं, थोड़े बहुत पानी है, इनको भी हम जो है थोड़ा जलाएंगे। अब बहुत ही रसीली बिना पानी की सब्ज़ी बनेगी, आप लोग देखते रहो। और ये देखो कितनी रसीली बन चुकी है, बस थोड़ा सा और बाकी, इसको हम हिलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। तो कैसी रही हमारी आज की रेसिपी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। तो हमारी ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी फटाफट बन के हो गई है तैयार, थोड़ी सी कसर बाकी है। इसको हम थोड़ी तेज़ आग पे इसको थोड़ा सा आग बढ़ा देंगे और जिसको थोड़ा पानी जलाएंगे खोल के, और हम कटे हुए धनिया थोड़ी से रखे हैं, अब इसको भी डालेंगे। अब हम इसमें कटे हुए धनिया को ऐड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो कितनी रसीली ये हमारी लौकी और आलू की जो है रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग भी घर बैठे आसानी से ऐसी रेसिपी बना सकते हैं, एक बार बना के ज़रूर चेक करना।